हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और बहुत सारे ड्रामे हमने इस हफ्ते देखे और क्या बात थी उन ड्रामों की। और वो ड्रामे देख के मेरे जहन में तीन तरह के सवाल आए। पहला सवाल जो था, मैं रमज़ान प्लेस की बात कर रहा हूँ, पहला सवाल ये था कि ये क्या ड्रामा है, ठीक है। दूसरा सवाल ये था ये मैं क्यों देख रहा हूँ, उसका जवाब मुझे मिल गया, मुझे पैसे मिलते हैं उसके, तो वो तो मेरे जहन में आंसर था। थर्ड ये था कि लोग क्यों देख रहे हैं, उसका जवाब भी जानेंगे। अब एक और चीज़, जैसे कि रमज़ान है तो इन दिनों बड़ी बदपरहेजी होती है, हर तरह के हम खाने खा लेते हैं, बेशक पूरा साल डाइटिंग करें लेकिन अभी हम पकौड़े समोसे तली हुई चीज़ें मुरगर गजाई सब खा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामे भी हम लोग खा लेंगे ऐसे ही, जैसे जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा है और कुछ भी है, एक चूचू का मुरब्बा है। तो इन्होंने हमें खिलाने की कोशिश की। अब वो खा के मेरा पेट तो नहीं लेकिन मेरा दिमाग कुछ ख़राब सा हो गया। ये मेरी नाकिस राय थी, इसकी बिल्कुल कोई वक़्त नहीं है। जिनकी बात की वक़्त है वो मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया। पहले ड्रामे की तरफ चलते हैं, इस ड्रामे के बारे में मैंने नहीं कहा लेकिन शायद कहा भी है। डर गया। तो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, सद कुरैशी और कास्ट में शामिल हैं शहजाद शेख, सबीना फारूक, नूरुल हसन, हिना बयाज, साकिब समीर, मानी, हीरा सोमरो, मधिया रिजवी और बाकी राइटर डायरेक्टर। राइटर हैं जी, डायरेक्टर अली फैजान, डीओपी हैं फयान लोदी और राइटर हैं समरा बुखारी। तो मैं बात कर रहा हूँ तेरे मेरे सपने की, मरीना जी। इसमें मुझे लगता है जो जानर है उसके लिए तो सही बना है, ठीक है। कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है कि एक कहानी चल रही है लेकिन आपको बिठा नहीं रही। इट्स नॉट मेकिंग मी वॉन्ट टू सिट एंड से कि अच्छा अब क्या होगा, लिटिल वेरी प्रिडिक्टेबल। द अदर थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इज एवरीवन इज़ नॉट अ कमेडियन, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। इसमें भी दे आर कॉमिक कैरेक्टर्स बट एवरीवन इज़ नॉट ट्राइंग टू बी फनी। जुमलों में there is more क्या कहते हैं, little bit more than just as opposed to इश्काबे। मानी का character मुझे नहीं समझ आ रहा, that's the only character I'm confused about because वो मुझे लगता है कि he's going in and out of character, that's what I'm feeling। I'm just not understanding it कि वो actually depressed आदमी है, वो actually शायर है, वो what is he। लेकिन थोड़ी सी मुझे बारात सीरीज़ की इफ़ेक्ट आ रही थी, पंजाबी फैमिली वर्सेज यू नो अ कराची फैमिली। उसमें भी देयर वाज़ अ साइमा चौधरी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, इसमें भी जो उसकी साकिब समीर की जो बीवी बनी है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस, वो भी यू नो लार्जर देन लाइफ है, एक डॉली टाइप की कैरेक्टर भी है बीच में। सो वो मुझे हल्का सा एक, बट ऑब्वियसली मेनी मोर कैरेक्टर्स, बट नथिंग दैट इज मेकिंग मी से अब क्या होगा। सो फॉर मी इट वॉज शॉक फेस। रुबीना जी, इस ड्रामे को जब मैं देख रही थी तो देयर वॉज जस्ट वन वर्ड दैट केप्ट पॉपिंग इन माई माइंड, अनरियल अनरियल अनरियल। And every situation, I would say this is so unreal, this is so unreal। वो एक लड़का है ताबी, वो कह रहा है मैंने इस लड़की से शादी करनी है, वो लड़की कहती है हाँ मैं करा दूंगी तुम्हारी से शादी, मैं इस वाले को जो लग रहा है कि इसका दूल्हा अगवा कर लूंगी और तुम जाओ चले जाना और आज मेहंदी है तुम अच्छे से कपड़े पहन के जाओ। वो उस दुल्हन जो कि मेहंदी की दुल्हन की गोद में लेट जाता है, लोग आके, आई मीन एवरीथिंग इज सो अनरियल। एलिमेंट्स, दे हैव अ स्टेलर कास्ट, हिना ख्वाजा बयात से लेकर मानी तक से लेकर यंग बच्चों तक, हमारी फेवरेट है ना सबीना फारूक, अब हैं तो हैं हमारी फेवरेट। दे हैव एवरीथिंग, दे डोंट हैव अ स्क्रिप्ट। आई थिंक द फेलियर ऑफ तेरे मेरे सपने इज द स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक इस किस्म के स्क्रिप्ट्स को ज़रा सा ज़्यादा व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना चाहिए, इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए विद द सेंसिबिलिटीज ऑफ द व्यूअर। मुझे हंसी कहीं नहीं आई किसी एक सिचुएशन पे, अगर आपको आई है मुझे वो सिचुएशन बता दो कौन सी वाली सिचुएशन थी। वो कहता है मैं हॉकी खेल रहा था, मेरी टांग पे हॉकी लगी, मैं कोमा में चला गया। इट मेड नो सेंस बट आई थिंक द वे ही डिलीवर्ड द लाइन वाज फनी, वो दैट वाज द एक्टिंग प्रोबेबली। बातें सारी यूजलेस हैं, सेंसलेस हैं, सो इट्स रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई थिंक आई विल से
आई एम टॉर्न बिटवीन दिस एंड दिस. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. तो नहीं, नॉट ऑलमोस्ट द सेम. दिस थम्स डाउन. नादिया खान, इसका स्क्रिप्ट में कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें कुछ फनी बात नहीं थी, जो हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी और हंसी आ भी रही है. एक्टर्स का कमाल है, उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया, ये भी ऐड कर दो, ये भी कर दो, और वो हैवी स्मार्ट कॉमेडी करने वाले मैच्योर एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है. तो वरना स्क्रिप्ट इतना बहुत ड्राई था. बट हैविंग सेड दैट, जब मैंने थोड़ी सी अपनी सेटिंग वेटिंग चेंज की, मैंने कहा हंसना है नादिया, रिलैक्स, ज़्यादा लॉजिक नहीं देखना. इसमें रिफ्रेशिंग चीज़ ये है कि द काबली पुलाव वंडर गर्ल सबीना है और हम उसको फर्स्ट टाइम इस तरह कॉमेडी करते हुए आई थिंक देख रहे हैं. उसका फिर शहजाद शेख का पेयर, आप यकीन के लोगों की इतनी फैन फॉलोइंग क्रेजी है ना, वो अपने सिर्फ फेवरेट स्टार्स को देखते हैं, उनका हो गया वो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे. तो जो फैंस है दे आर वॉचिंग. रौनक चल रही है, कुछ अलग उल्ला लग रहा है, क्या यार एंटरटेनमेंट है, हमारे मुल्क में भी तो बड़ी कम एंटरटेनमेंट है. और अब तो अफ्तार पार्टीज भी इस दफा बहुत कम हो रही है. तो ठीक है, नाइस. राइटिंग की बात कर लीजिए. समरा बुखारी, लाइक आई सेड, नथिंग मेमोरेबल, नथिंग हां, नथिंग दैट स्टेज विद यू. इसमें सिचुएशंस जो हैं, जैस एज शी सेड, are not very believable. Or even if they are, then execution mein kahin na kahin maar kha rahe. Actually should give a 5, but I'm going to give it a 6. 6, good job. Aap characterization bahut achhi kar lete ho. Aapne characters banaye pehle, har kahani mein bante hain, theek hai. I think writing is drama ka downfall hai. Aur koi usko sambhal nahi saka. I wanted to give this writing 4, but when she is given 5 तो मेरा दिल, 6 तो मेरा दिल चाह रहा है मैं 3 कर दूं. इसका एक नंबर, मैं मरीना का एक नंबर कम करूं. और फ्रॉम द ग्रैंड टोटल 3 दे नहीं सकती, सो अ 4 दैट वुड फील लाइक माइनस 20. वाओ, नो नादिया, जो जुमले चुटकुले अच्छे लगे भी, पता नहीं वो राइटर ने लिखे भी थे या नहीं. एग्जैक्टली, गड़बड़ स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा 4. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,600 हुए हैं और तेरे मेरे सपने के हिस्से में आए हैं 438, 3% बनते हैं 0.3 मिले. परफेक्ट आए. ओके जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. फैजान, आई एम गोइंग टू गिव फैजान अ 5. रवीना, देखो ये वो एम्प्लॉयड बच्चे हैं ना जो डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वॉट एवर विल गिवन टू बी गिवन टू देम दे विल हैव टू डू. सो प्रॉबली मतलब कोई मजबूरी ही है, मगर उस मजबूरी के नंबर 4 हैं. मजबूरी के नंबर 4 है. इस ड्रामे में पर्टिकुलरली मुझे फ्रेम्स में, मुझे कॉम्पोजिशन में कोई बहुत मेहनत नज़र नहीं आई कि वाओ व्हाट अ शॉट. बाकी सीन्स बहुत लंबे, बहुत क्रिस्प बन सकता था, तो बस ओके है. 5. डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,400 हुए हैं और अली फैजान के हिस्से में आए हैं 268, 2% बनते हैं 0.2, जो कि लोएस्ट हैं आज में की डायरेक्शन की जो भी वोटिंग हुई है पब्लिक की तरफ से. सो सबीना, इट वाज जस्ट वंडरफुल वाचिंग हर एज अ कॉमेडियन नाउ. सो आई विल से 6. 6. जॉब रुबीना जी. सबीना इज अ 4. 4. या ऑफ कोर्स, वो क्या करे ना, सिचुएशन है ना, वो उसको जस्टिफाई कर रही है, कहीं मजा नहीं आ रहा. बस शी इज देयर, आई लाइक इट बिकॉज इट्स हर एंड आई हैव लव्ड हर इन डूइंग काबली पुलाव की परफॉर्मेंसेस, बट इसमें कोई भी हो सकता था. नादिया, आई विल गिव हर 7. 7. 14,200 जो है वो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 426, 3% बनते हैं 0.3. आई सेड 4, इट्स 4. तो मैंने वो जो सीन देखे वो बनती आप जी मेल कैटेगरी की बात करेंगे और शहजाद शेख. सो व्हाट आई एम एंजॉयिंग अबाउट शहजाद शेख इज हिज रोमांटिक साइड, वो अच्छा कर रहा है. सो आई विल गिव हिम अ 7. 7. या आई एम नॉट, आई एम क्वाइट लाइकिंग हिम. आई थिंक अगर कोई एक बंदा मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ा नहीं रहा इस प्ले में तो वो शहजाद है. बाकी सब चिढ़ा रहे हैं. बाकी ज्यादातर आई विल गिव हिम अ 5.5. Okay job. Little better than okay job. Nadia.
चार्मिंग, हैंडसम, वो तो वो है, क्यूट लग रहा है उसमें और उस रोल में अच्छा लग रहा है। वो जिस तरह उसको तंग कर रही है और वो जैसे वो तंग वो जो एंड द स्माइल्स ही इज गिविंग बैक, तो वो एक फील आनी चाहिए, तो वो फील आ रही है, है ना? यू फील, यू फीलिंग द रोमांस, मेरे लिए हीरो है, सो इट्स 7 7 वेरी गुड जॉब, इट्स नाइस टू वॉच देम टुगेदर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 13,700 हुए हैं और तेरे मेरे सपने से शहजाद शेख के हिस्से में आए हैं 4.3 मिले हैं। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही खास और उसकी ये वाली एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बीच में हमें बहुत ज़्यादा हमने बातें सुनी आप लोगों की तरफ से कि हम कितना जलते हैं इस ड्रामे से, कितना मसाइल हैं इस ड्रामे से, लेकिन दिस वाले ये एपिसोड मज़े की थी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से इश्क मुर्शिद की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद और शुरू करेंगे रुबीना अशरफ जी से। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो आप सबका बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट रहा था, जजिस का भी काफ़ी फेवरेट रहा था, फिर बीच में फेवरेट नहीं रहा, लेकिन ये वाली एपिसोड पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरी पसंद नापसंद की कोई वक़्त नहीं है, रुबीना जी बताएंगे उन्हें 24th एपिसोड कैसी लगी इश्क मुर्शिद की। तो कहानी जो है वो अब सलमान साहब के असूर और शामिर की मोहब्बत के बीच में आ गई है, हुक ख़त्म हो गया है, अब यही देखना है कि कैसे, हाउ विल ही विन ओवर द सिचुएशन। तो वो जो एक हुक मोमेंट था जिसके लिए हम इस ड्रामे को का इंतज़ार किया करते थे वो ख़त्म हो गया, वो जैसे भी ख़त्म हुआ उसका जिक्र हम कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, वही दिल टूटा था। मगर जो दो रमज़ान फनी प्लेस थे उनसे ज़्यादा हंसी मुझे दो सीन इस एपिसोड में ऐसे थे कि मेरा दिन बन गया एंड आई सेड वाह क्या बात हुई है। दोनों सीन थे भल्ला के, फजल बख्श / भल्ला, वो उसके घर पहुंच गया और घर पहुंच के और वो उसके जेब में पैसे हैं, वो पैसों पे कुछ हुआ था ना घर तक लाने के लिए, कोई तो बेचारा अपनी कटाई कर रहा था और दोस्त जो था वो उसको लेके आ गया, जेब में उसके कुछ हज़ारों के नोट हैं और उसने कहा कि तुम्हें पता ही है किसका घर है, तो वो कहता है कि ये दाऊद का घर है और वो फौरन अपने पैसे जेब में डालता है, कहता है ओए 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 ये तो जो चीज़ देखते हैं ले लेते हैं, ये तो कुछ नहीं छोड़ते, मैं तो अपने पैसे छुपा लूँ। और उसके बाद फजल बख्श आता है शामिर और वो कहता है कि ये कौन है, वो मज़े का था बिकॉज दिस गाय इज़ सच अ गुड एक्टर, वो बना देता है ना जहाँ होता है सीन बना देता है भल्ला। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर कुछ, वो कहता है इसके लिए खाने के लिए रुको, तो सारा सूबा खा गए मैं इनके घर से कुछ खाने वाला हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दीज टू लाइन्स दिस सीन जस्ट मेड मी सो हैप्पी एंड आई वुड फॉर दिस ओनली गिव इट अ वन थंब अप। नादिया, अच्छा इश्क मुर्शिद के जो फैंस नाराज थे कि पिछले कुछ एपिसोड से बहुत स्लो चल रही थी स्टोरी, गोइंग नोवेयर, नो प्रोग्रेशन, सिर्फ फ्लैशबैक्स या बस वैसे स्लो मूवमेंट चल रही थी, तो इस दफ़ा बहुत हरकत हुई है और बड़ा पावर पैक्ड एपिसोड था, पावरफुल सीन्स थे और मैंने बड़ा इन्जॉय किया और ख़ास तौर पर जो क्लाइमेक्स जो लास्ट डायलॉग्स हैं वो बहुत पंचलाइन ज़बरदस्त थी कि भाई तुम्हें क्या लगता है बाप अली नूर हसन जो कह रहा है शिप्रा से, तुम्हें क्या लगता है कि दाऊद अली खान इस घर में तुम्हारा रिश्ता लेके आएगा और अगर आ गया तो, वाह क्या क्लाइमेक्स था, बेहतरीन, आई वॉन्ट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। वाकई बड़े अरसे बाद शुक्र है कहानी आगे चली गई, अब हमें पता चल गया है कि ना शिब्रा ने गिव अप करना है ना बिलाल ने, सो कोई नहीं लड़ाई करे। महीना जी, आई लव द फैक्ट दैट वी आर सो ऑपोजिट इन आवर व्यूज, है ना, इट वॉज डेफिनेटली बेटर बिकॉज this is, you know that this was the original script. I think जो दो extra scenes थे, एक तो वो same जिसमें शुरू में ये बैठ के बात कर रहे हैं about schools and जब तक teachers अच्छे नहीं होंगे schools अच्छे नहीं, suddenly you go
you know, you it changes and then you go to a comic. So I feel that again, going from something like that suddenly to अच्छा अब उसके पास क्यों गए, बिकॉज उनके माइंड में कोई, उस बच्चे के माइंड में कोई आइडिया आया, कह रहे तो तुमसे काम है. वो काम क्या है कुछ नहीं पता चला. 7 minutes of nothingness. I think it was definitely I loved the mother and father wala scene. That was probably my favorite scene because usme baatein bahut achhi hui hain. Otherwise I shall give it a let's give it this because after a long time kuch hua hai ha kuch hua hai and we've sort of enjoyed it ke it's back on track. At least filler scenes nahi the isme. Isme sare scene acche the. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. वेलकम बैक. एक दफा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. अच्छा बात कर लीजिए राइटिंग की. अब्दुल खालिक साहब हैं. हाँ मुझे राइटिंग में कोई बहुत कमाल जगह तो नहीं मिली सवाई उसी वो जो मेरा फेवरेट सीन था बस वही मुझे अच्छा लगा एज इन राइटिंग ऑल्सो दैट वेल फॉर मी. ऐसा नहीं मुझे लगा कि वाओ वाओ नहीं लगा ना प्लॉट ना जाने का. पता है कहाँ जा रहे हैं, पता है कि इसी तरह की बातें करेंगे. सो आई थिंक द राइटिंग फॉर मी इज़ अ 5.5 अ लिटिल बेटर देन एन ओके जॉब. एपिसोड शुरू होता है तो शामीर अपने दोस्त के साथ इसका हेयर कट एकदम चेंज हो गया. मैंने पहचाना नहीं लगा इसको क्या हुआ. लुकिंग गुड ना अच्छा लग रहा है. मुझे जिंदगी में मिला था आई सेड तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो. मैंने कहा मैं तो उसके फ्लिक्स मिस कर रही हूँ. सही तो बात है. बेगम भी मिस कर रही हूँ, फ्लिक्स भी मिस कर रही हूँ. आई थॉट दे चेंज्ड द एक्टर. हां एकदम अचानक. और उसके बाद अच्छा ये लग रहा है कि चाहे जाने जहां ये ड्रामा एक मासेस को मैसेज दिया जा रहा है कि हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन है और इस पर हमें काम करना चाहिए. स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो फ्यूचर के इन्फ्लुएंशियल बनेंगे तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज मुझे लगा राइटर की तरफ से. फिर आ जाएं सीन्स की तरफ. जो मेरा मूवी मोमेंट था, जो मेरा फेवरेट सीन था, वाज जब शिब्रा को पता चलता है, पूछती है बाप से क्या कहा उसने, क्या कहा उन्होंने, क्या बताएं उन्होंने क्या कहा आपको दाऊद अली खान ने. उसके बाद कट. फिर वो फेवरेट हमारा कपल उमेरान और वो बैठे हुए मामी जो हैं, ओह माय गॉड. तो वो उनका सीन चल रहा है. उसके बाद अचानक शिब्रा आती है और वो कहता है हाउ डे यू कम इन टू माई हाउस, गेट आउट. वहाँ से बिलाल आता है. ये कभी भी इस घर में आ सकती है. राइटिंग पावरफुल थी. एट घर जाते हुए रस्ते से उठवा लेंगी. आज मैं उठवा ही जाऊंगी. दो लोग हो गए अब हमारी उठवाने की लिस्ट में. ठीक है ना, आपको नाम याद रखने चाहिए पहुंचाने के लिए. सैरी पे वेट ना करना अपनी. अब बिल्कुल तेरे मेरे सपने वाला हुआ होगा. वही वाला लग रहा है मुझे. तो नंबर्स कितने राइटिंग के आपके पास? मेरे लिए देखिए डेफिनेटली द एपिसोड वाज बेटर बिकॉज आई नो दैट दिस वाज बैक ऑन ट्रैक. These were the original episodes. You could see the writing. You could see the. I'll give it a 6 maybe. 6. Good हाँ. job. Audience की तरफ चलते हैं जी. Total vote जो cast हुए writing में वो 14,600 हुए हैं. और अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में ड्रामा शेर इश्क मुशर्रत से 6,424% बनते हैं. 0.4 मिले इनको. हाँ इनको तो ये वो वाले हैं. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. फारूक रिंद साहब I think a 5.5 for the director also. Nadia. Close में काम किया है. Performers जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी acting की है, no doubt. Edit भी ठीक था. But जो सीढ़ियों वाले scenes हैं वो मुझे तंग करते हैं. जितना भी staircase पे काम हो रहा है, कोई अच्छी staircase नहीं है कि इस पर आप selfie बनाएं. मैं कभी ना उस घर में जाके selfie वहाँ बनाऊँ. उस पर पता नहीं हर episode में क्यों इतना close scene आता है. ऐसे तंग तंग जगह, depth नहीं है. 6. Good job. मैना जी. ओवरऑल द प्ले वाज ओके, सो आई वुड से अ 6 आल्सो फॉर हर. 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,400 हुए हैं और फारूक रिंद साहब के हिस्से में आए हैं 3,886. 29% बनते हैं. 2.9 मिले हैं. हाफ ऑफ व्हाट द राइटर गॉट. बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और
दुर्रे फिशां सलीम। बहुत कुछ तो नहीं था करने को उसके पास, जो था वो उसने सही किया, बट इस ड्रामे में मैं एक्टर्स को ब्लेम ज़्यादा नहीं दे रही, बिकॉज दे आर देयर टू डिलीवर, जब जगह आती है तो वो डिलीवर कर देते हैं। आई थिंक सिक्स। गुड जॉब नादिया, शी परफॉर्म्ड रियली वेल विद द फादर, कि वो मुझे पता नहीं मैं मरूंगी या जिंदा रहूंगी लेकिन वो मर जाएगा, द वे शी सेड इट, वो फीलिंग बहुत खूबसूरत थी, मैं इंप्रेस हूँ। हाँ, उस मुझे ये सीन्स अच्छे लगे इसमें, कम सीन्स थे बट काम अच्छा था, और या दैट सीन वाज अमेजिंग, और एंडिंग में भी जो हुआ है ना, जिस तरह उसने एकदम कहा है ना, बना के नहीं बड़ी नेचुरली आ गया, तो दैट वाज आल्सो नाइस। आई विल गिव हर 8। इसके सारी लड़कियों के 8 लिख लो, सही है मैना जी। हां, आई बट ओवरऑल यस, आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब, सो आई वुड से 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 14,200 हुए हैं, और दुर्रे फिशां सलीम के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से आए हैं 7,150 बनते हैं, 5 मिले हैं इनको। तो जी अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और बिलाल अब्बास, नथिंग रियली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, नथिंग रियली टू ग्रेट, ऑल नॉर्मल, ऑल डन, been there, done that before. So 6. Good job. Nadia. Shibra deserves more this week. So 7.5. 7.5. Very good job. Mahina ji. So ek gana tha hamara bahut famous. Bijli bhari hai mere ang ang mein. Jo mujhko chhuega wo jal jayega. Wah. Insta reel ban gayi. I am giving you, I know you're a good actor, but I'm going to give you a 6. गाने का इससे क्या ताल्लुक था? Because लोग जलते हैं ना। अच्छा, हम जलते हैं, हम जलते हैं। जल जाएगा। ओके, हम हैं वो। कुड़ते हैं। हाँ। सड़ते हैं। हम जलते नहीं हैं। देखिए। हम realities बताते हैं आपको, realities। आप हम जितनी मर्जी realities बता दें, एक reality मेरे हाथ में है, जो कि audience है। 7,500 Total vote जो है 13,700 है, जो कि male category में वोटिंग हुई है। तो बिलाल अब्बास के हिस्से में 8,083 59% बनते हैं, 5.9 मिले हैं। जीत गए नंबर, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। हम जल जल के मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। तो जी ये था रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का। आज मतलब पहले तो ये था पिछले कुछ एपिसोड में कि बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा था ना नंबरिंग के हिसाब से, आज थोड़ा सा दो जजेस को पसंद आया, थोड़ी सी जलन बरकरार है यहाँ पे, बाकी सब सेट है। तो अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो बहुत ही खास है, और नादिया ने स्पेशली अपनी नेल पॉलिश कंप्लीट कर ली है, दोनों हाथ सही नहीं लगी, हम बात करें ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की, उसकी एपिसोड का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और 2 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं जिनमें शामिल है इश्क मुर्शिद और तेरे मेरे सपने। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो लास्ट वीक का विनर था, इस वीक उसकी 2 एपिसोड जो है 25th और 26th अपना जादू चलाती हैं या नहीं, ये हमारे जजेस बताएंगे। और शुरू करते हैं बात नादिया खान आपसे, कैसा लगा जाने जहां इस दफा आपको? जी नादिया खान आपसे मैं मेरी आती ना फर्स्ट टर्न, ये फर्स्ट नहीं है थर्ड है सबसे। हाँ, बट तो पहले शुरू में बोलना पड़े ना तो एकदम अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा नाम तो चेंज नहीं कर लिया नादिया खान ने। ये होती है अच्छी अदाकारी, सब कंफ्यूज हो जाए क्या बात हुई, बट ये कि ड्रामा मेरा अभी भी इट्स माय मोस्ट फेवरेट, इट इज लाइक वॉचिंग अ मूवी। इस ड्रामे में कोई झोल, कोई ऐसे गड़बड़े कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत, बड़ा स्मूथ चल रहा होता है। खैर बहुत सारी बातें कहने को, आई जस्ट लव दिस ड्रामा, बहुत सही जा रहा है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। और कहीं भी ना
अलग से ओएसटी नहीं आ जाता मुझे तंग करने लेकिन अब देखे ना इसमें भी उन्होंने एक पूरा इंटीरियर किया उस घर का, एक कलर पैलेट दिया, एक्सेसरीज लगाई, पुरानी जगह थी लेकिन पैनलिंग करके उन्होंने एक हवेली का लुक दे दिया जो कराची में ही घर है, लेकिन एक्चुअली आपको लगता है कि किसी इंटीरियर सीन में किसी हवेली में किया हुआ है, तो ये स्मार्ट मूव है। हर कैरेक्टर इतना सही जा रहा है कि कोई आपको ऑड नहीं लग रहा, उसकी लाइनें, माँ की लाइनें कितनी प्यारी थी, आर्किटेक्ट की माँ की लाइनें, तो हम स्क्रिप्ट में बात करेंगे, बट गुड जॉब मैना जी। Everything what Nadia said, ये episodes बाकी last जो हमने चार एक साथ देखे थे, those are moving very fast. These two were slow, but in that slowness, there was so much. There was so much to be said. There was so much to do. उसका वहाँ से उस हॉस्पिटल से वापस आना, सो जो वो जैसे कहते हैं ना कि वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, ये हुआ, वो, यहाँ पेस ज़रा सी आपकी उस पर चली गई के, लेकिन उसके अंदर लेयर्स, मीनिंग इस ड्रामे के लेयर्स इतने हैं, ईच सीन इज मीनिंगफुल, ईच सीन हैज समथिंग इन इट, इवन हिम फाइंडिंग आउट, इवन हिम कन्फ्रंटिंग हर आफ्टर ही फाइंड्स आउट दैट शी इज, सो फॉर मी ऑल्सो इट इज वेरी, आई लव इट। I would totally agree with what these two women said. Finally, ये इसके दो लिए clap हो रही है। इसके लिए clap। ये दो episodes बहुत मजे के थे, जिसमें के 25 तो बिल्कुल stellar episode थे, क्योंकि जब आप किसी एक्टर को सही लिखी हुई लाइनें और मजेदार सीन देते हैं ना, इस ड्रामे की स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग है, इसकी राइटिंग है, एंड more credit goes to Rida than to any, क्योंकि वो फिर हम माइनस करें ना एज एक्टर एज डायरेक्टर, but it is definitely what it is, which is a two thumbs up. राइटिंग की बात की जाए और राइटर है रिदा बिलाल, नादिया खान। तुम सीटी पे जा रही थी जी, बताओ। बस इतनी निकल चुकी, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। ये लड़की कभी नेल पॉलिश लगा रही होती है, कभी सीटी बजाई, ये कौन है, क्या है ये? अभी कवाली भी शुरू करेंगे। आपका आवाज आएगी ये अंदर ही से, वो नादिया ही अंदर अंदर आने वाली कवाली और दिखाओ रमजान के कॉमेडी ड्रामे ये होगा किसे की बुक तो। एनीवेज राइटर की बात करें, आहा व्हाट लवली राइटिंग। एक तो लिख बहुत अच्छा रही है रिदा, और मुझे लग रहा है कि उसके अलावा इस पर बड़ा काम हो रहा है, जो टीम है, जो प्रोडक्शन हाउस है, इसको फिल्टर भी कर रहा है, इसको डिस्कस भी कर रहा है, डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए हर सीन हर लाइन का कोई मकसद है। व्हाट ब्यूटीफुल राइटिंग, क्योंकि मुझे इतना अच्छा ड्रामा, इतनी अच्छी राइटिंग कहीं नहीं मिल रही है। तो ये एक प्लीज़ अगर आप नहीं देख रहे जाने जहाँ, तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। इट्स अ मास्टरपीस, ब्यूटीफुल। 9 मैना जी, 9 वाह, लविंग लविंग इट, लविंग इट। रुबीना जी, आई वुड डेफिनेटली गिव रिदा एन 8 फॉर दीज टू एपिसोड, मेनली फॉर द 25th, स्टेलर। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,600 हुए हैं, और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 2,774, 19% बनते हैं, 1.9 मिले हैं, गुड जॉब। अब बात कर ली जाए डायरेक्टर की, नादिया 10, 9 भी नहीं, 10 हो गए। मैना जी, कासिम इज अ वेरी पैशनेट मैन, एंड आई थिंक वो पैशन उसका डायरेक्शन में आता है, और वो डायरेक्शन हम इस प्ले में देख रहे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 9 टू मी द स्टार वुड स्टिल बी द राइटर एंड कासिम वुड बी अ क्लोज इफ शी वॉज एन 8 ही इज अ 7 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन की बात की जाए तो 13,400 वोट जो है कास्ट हुए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 2,948 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं, वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, आयजा खान, नादिया। इसमें काम था, नजर आया आयजा का काम, 9 वाला काम। आई थिंक आई विल अग्री विद नादिया एंड आई विल ऑल्सो गो विद द 9। आई थिंक शी हैज हैंडल्ड इट वेरी मैच्योरली। विनर जी, लर्न दिस फ्रॉम आयजा, नो मेकअप लुक को कैसे कैरी करते हैं,
अच्छा भी लगा, और मतलब इस और हसीन कितनी लग रही है, तो 8 नंबर तो डेफिनेटली। ऑडियंस की बात करते हैं जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं, और आयजा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल जाने जहां से आए हैं 2,272, 16% बनते हैं, 1.6। तो जी बात की जाए मेल एक्टर की ड्रामा सीरियल जाने जहां से, तो हमजा अली अब्बासी हैं जी, नादिया वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, 10। मैना जी, Hamza, my brother, I feel ya, and you're doing a great job, so I'm going to give you a 10. I'm loving it. I don't think isse better I've seen this boy. The role is just so fantastic, and he's just taken it to another level. For now, I think a 9, for sure. Shukar hai. For now, I am not going to say my heart is bad. For now, it's less. तुम्हारे 8 और 10 पे भी मेरा दिल ऐसे ही बैठता है बेटे। क्या है ये देने लगी है 10, ये देने लगी है 8। नंबरों की बारिश। मेल कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं, और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,192, 16% बनते हैं, 1.6। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जाने जहां का रिव्यू, और हमारा शो भी कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा, और रमज़ान के लिए बहुत सारे चल रहे हैं, तेरे मेरे सपने का भी हमने कर लिया रिव्यू, इश्कावे का भी कर लिया, और इसके अलावा वेरी फिल्मी का कल हम दोबारा करेंगे, और कोई अच्छा ड्रामा आपको लग रहा है, हमने सुना है कि रफ्ता रफ्ता बहुत अच्छा ग्रीन का, उसको हम शायद अगली दफ़ा रिव्यू करें, आपकी भी कोई चॉइस हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।